बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जनजातीय सम्मेलन की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने जनजातीय समाज के लिए योजनाओं की शुरुआत की है उससे जनजातीय समाज का काफी विकास होगा और वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा वीडी शर्मा ने कमलनाथ की ओर से जनजातीय सम्मेलन पर उठाए जा रहे सवाल पर तंज कसा, तो वही कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के मुगल वाले बयान पर भी पलटवार किया। यानी कमलापति जी के नाम पर जिस प्रकार से पूरा उत्साह इस भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे जनजाति समाज के अंदर कि अंतिम हिंदू गौण शासक जिनके इतिहास को दोहरा करके पुनर्स्थापना जो हुई है यह हमारे लिए वास्तव में ही गौरव का विषय था। तो मैं उन सब लोगों को भी, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का, क्योंकि रेल मंत्री जी बड़े सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ एक दिन पहले आकर के सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया, तो इस प्रकार से भी मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि भोपाल को मिली। कमलनाथ जी की बात का जवाब तो देने का कोई अर्थ नहीं है, उनके हाल क्या थे जबलपुर के अंदर मुझे यहां कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए लोगों के जीवन बदलने का अभियान केवल कहने के लिए नहीं है, लोगों का जीवन प्रत्यक्ष तौर पर बदलने की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, जिन्होंने इस देश के स्वत्व पर हमला किया, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान पर आक्रमण किया, ऐसे लोगों की कोई अगर प्रशंसा करे तो देश कभी ऐसी बातों को न स्वीकार करता है न करेगा। अब तो जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अपने देश के लिए, अरे महाराणा प्रताप पर जाकर के बात करें ना, शिवाजी के बारे में बात करें ना, सुप्रिया सुने, और शिवाजी के समय में क्या था इस शासन व्यवस्था में, भगवान राम के समय में इस देश के अंदर राम राज्य था, इसकी बात करें। वो मुगलों पर राज करने की बात करते हैं, देश का अपमान है।